स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहोसल डिफेंस में। जैसा कि बाबू आपने थंबनेल में दे दिया होगा कि 3x3 कोटि का उपसारणी का हम मान ज्ञात करेंगे, 2x2 का मैंने बता दिया है और 3x3 की आज हम सीखने वाले हैं। देखो बाबू, चाहे 2x2 की हो चाहे 3x3 की हो, कुछ फर्क नहीं, कुछ भी ज्यादा मतलब। देखो बाबू, जैसे मान लो यहाँ पे तो बोला क्या गया, 2, 3 और 5 का निकालना है, कुछ भी नहीं। देखो अगर आपको उपसारणी को लिखना हो M11 यानी इसका मान, मैं बात करूं नेक्स्ट की M12 किसका मान, 2 का मान, M कितना 13 ये किसका मान बाबू, 5 को बोलते हैं। अच्छा सर, जैसे सेम है GT किसको बोले बेटा, सर 21 ये लो। जैसे आगे वाले को अगर निकाली तो 22, इसका उपसारणी निकालिए इसको क्या बोलेंगे, 23। पहले इनका निकालते फिर आगे की बात करते हैं बाबू ना। सर इसका मान अगर निकालना हो, किसका मान निकालना हो, सर M11 का मान अगर निकालना हो तो आप इसको हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो, कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ सर, 0 हुआ, माइनस का चिन्ह लगाओ। इसको इससे करो तो कितना, 5×20 कितना बाबू, 5×20 तो सर माइनस का 20 क्या हो गया इसका उपसारणी है। सर हमें 12 का निकालना है तो बाबू 12 को हाइड कर दो आप, कर दिया सर। इस वाले को भी हाइड कर दो तो सर कितना हुआ, 6×2 42 किसका बाबू, माइनस का, लो जी सर 6×2 42 माइनस का चिन्ह, सर 4×1=4। ये बता भाई सर 42 और 4 कितना गया, 46, ये आपका क्या गया उपसारणी का मान। सर बात करते हैं किसकी, 13 की। अब इस वाले को हाइड कर दो और इस वाले को हाइड कर दो, सर कितना है, 5×30 कितना बेटा, 5×30 किसका साइन, माइनस का साइन। सर इसको से किया तो सर आया आंसर 0, तो बाबू अपना आंसर कितना गया 30। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं समझ में आया तो हम इसके बाद करेंगे, अब आ जाएगा। सर हम कित किया, 21 की, तो बाबू 21 का मतलब सर इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड कर देंगे तो सर कितना हुआ, 3×2=21 किसका बेटा, माइनस का 21 किसका साइन लगाओगे, माइनस का। सर इसको से मल्टीप्लाई करो, 5×5 बाबू कितना हुआ, 25। और ये बता 21 और 25 कितना हुआ, हो गया 42 और 42 और 4 46, ये आपका क्या गया आंसर आ गया इसका उपसारणी का, क्या गया बेटा उपसारणी का। सर अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, M22 की तो बाबू इसको हाइड कर दे तू और इसको हाइड कर दे, बचा क्या सर, 7×14 किसका बेटा, माइनस का 14 आ गया तेरे पास एज इट इज और माइनस का, तूने किसको हाइड किया, इसको किया और इसको किया हाइड, तो सर इसको इसको मल्टीप्लाई करो कितना आया 5 बेटा, 14 और 5 कितना हो गया 19, ये आपका इसका क्या गया आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया बेटा। अब बात है सर 23 का, बाबू इसको हाइड कर तू और इसको हाइड कर, कितना आया सर, 5×10 ये लो 5×10 माइनस का, लेकिन हाँ इसको इससे किया तो सर आंसर आया 3 बेटा, 10 में से अगर 7, 3 गए तो कितना बचा सर 7 आया। आई होप तुझे समझ में आया होगा और मजा भी आएगा। अगर बाबू नहीं भी समझ में आया ना तो इस वीडियो को पूरे दिल दिमाग और पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को फिर से शुरू कर और आराम आराम से समझने की कोशिश कर, बाकी जय हिंद वंदे मातरम।